नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूँ रजनी अनुभव। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। संपत्ति कर को लेकर कुछ लोग फैला रहे भ्रम, उपराज्यपाल बोले सही जवाब देना हम सबकी जिम्मेदारी। नार्को टेररिज्म एक बड़ी चुनौती, कहा डीजीपी दिलबाग सिंह ने। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पीपीपी मोड से रॉयल स्प्रिंग कोर्स को आउटकोर्स करने का दिया प्रस्ताव, महबूबा मुफ्ती ने जताई आपत्ति। जम्मू यूनिवर्सिटी ने 10 रोजा क्लब फेस्टिवल का किया आयोजन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि ये हम सबके लिए आत्मचिंतन का समय है, क्योंकि अधिकार और ड्यूटियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमें जरूरत पड़ने पर सेवाओं के लिए अपना योगदान देना होगा, ताकि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर विकास के पद पर तेजी के साथ आगे बढ़े। हम निष्ठा और लोगों की प्राथमिकता के रवैये के साथ काम कर रहे हैं, ताकि आम व्यक्ति की जिंदगी में बदलाव आ सके। हम सबको संपत्ति कर पर गलत सूचना का प्रभावी तरीके से जवाब देना होगा और सच्चाई व तथ्यों को लोगों के बीच लाना होगा। संपत्ति कार्य पर गलत सूचना का जवाब देने में हम सबकी बराबर अहम भूमिका है। उपराज्यपाल ने जम्मू क्लब में नई सुविधाओं का उद्घाटन करने के बाद ये विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि क्लब के 3000 सदस्य समाज में बदलाव के दूत का काम कर रहे हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि अमृत काल का मौका है, जिसमें हमको औपनिवेशिक मानसिकता को हटाना होगा और क्लबों को सामुदायिक विकास और सामाजिक बदलाव में प्रेरणा के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक ढांचागत सुविधाओं की कमी हो, और इसके लिए हमें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना होगा। मैं जानता हूं क्लब के मेंबर समाज सेवा और चैरिटी के क्षेत्र में अनेक प्रकार का योगदान देते हैं। मैं आप सभी के योगदान की भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहूँगा और आपसे आग्रह करूँगा कि अपने सामाजिक सेवा के कार्यों में आप विभिन्न विषयों पर जागरूकता अभियान भी चला सकते हैं। आजकल समाज का मनोबल तोड़ने के लिए कुछ तत्वों द्वारा भ्रामक बातें फैलाई जा रही, जिन्हें समाज के प्रबुद्ध लोग, खासतौर से आप लोग, प्रभावी तरीके से काउंटर कर सकते हैं। हमें इस बात को समझना होगा कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और भौतिक सुख सुविधाओं से ही समाज आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि कर्तव्यों के प्रति जागरूकता भी समाज को मजबूत बनाती है। आए दिन कुछ तत्व ऐसा प्रयास करते हैं कि सामान्य जन की ऊर्जा, उनकी एकता, भावी पीढ़ी के भविष्य को नुकसान पहुंचावे। आजकल एक कोशिश चल रही है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, संपत्ति कर को लेकर के, और कहा जा रहा है कि साहब सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक एक बात कहना चाहता हूँ, देश का कोई राज्य, कोई संघ शासित प्रदेश, कोई शहर ऐसा है जहाँ ये नहीं है? जम्मू कश्मीर में भी पहले की चुनी हुई सरकारों ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके, कानून बना करके भारत सरकार से झूठ बोला, पैसा लिया और बाद में मुकर गए। नार्को टेररिज्म एक बड़ी चुनौती है, जिसे निपटने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सीमा पार से नशे और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं, इसमें कामयाबी भी मिल रही है। इस तंत्र को और मजबूत किया जा रहा है, ये बातें डीजीपी दिलबाग सिंह ने प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि आतंकी संगठन और नशा तस्कर मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए अब नशे के साथ हथियारों की खेप आती है। ड्रग्स का इस्तेमाल नशा तस्कर पैसा कमाने और हथियारों का इस्तेमाल आतंकी कर रहे हैं। यही नहीं, नशा तस्करी के जरिए भी जमा होने वाला पैसा आतंकी गतिविधियों में लगाया जा रहा है। जम्मू और पंजाब आदि राज्यों में सीमा पार से नशा आता है और इसमें जमा होने वाला पैसा वापस पाकिस्तान जाता है। इसका इस्तेमाल पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन आतंक फैलाने के लिए करते हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सार्वजनिक निजी भागीदार मोड के माध्यम से प्रसिद्ध रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स को आउटसोर्स करने का प्रस्ताव दिया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इसकी कड़ी आलोचना की है। सचिव आरएसजीसी को लिखे पत्र में जम्मू कश्मीर पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक ने कहा कि निगम और पर्यटन निदेशालय जम्मू कश्मीर की कुछ संपत्तियों को पीपीपी मोड पर आउटसोर्स करने का प्रस्ताव है। रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स को भी
आउटसोर्सिंग की सूची में शामिल किया गया है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर की संपत्तियों को बिक्री के लिए रखा जा रहा है और स्थानीय लोगों को हर क्षेत्र से बाहर किया जा रहा है। रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स की बिक्री इस बात का एक और उदाहरण है कि सरकार 5 अगस्त 2019 के फैसले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद इस क्षेत्र का विकास कैसे कर रही है, सब कुछ बिक चुका है। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू इन कोलैबोरेशन विद इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स 10 से 20 मार्च तक मल्टी आर्ट फेस्टिवल डुग्गर दर्पण शुरू करने जा रही है। इसी को लेकर अधिक जानकारी साझा की गई। बच्चों को तैयार कर रहे हैं विद द थीम ऑफ डुग्गर दर्पण और हर तरह की एक्टिविटीज़, चाहे वो डांस है, चाहे सॉन्ग्स हैं, चाहे पोइट्री है, चाहे थिएटर है, चाहे वो कल्चर एंड हेरिटेज है, उसकी डिपिक्शन फोटोग्राफी है, पेंटिंग है, वो सब इसी थीम पर बेस्ड होगी, जिसकी एग्जीबिशन जो है वो 20th को लगेगी। और 20th को एक हम साडा ग्रां करके एक विलेज क्रिएट कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं लॉन्स में इन फ्रंट ऑफ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम, जिसमें हमारा जम्मू रीजन का जो रूरल लाइफस्टाइल है दैट इज़ गोइंग टू बी डिपिक्टेड। और वहाँ पर कुजीन्स भी होंगे, जम्मू रीजन के जो स्पेशल कुजीन्स हैं वो भी होंगे। और उसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल 5 o'clock होंगे। साइंस क्लब जो है वो बहुत अच्छी वर्कशॉप करने जा रहा है इन बिटवीन, जिसमें वो हाउ अ क्रिएटिव ब्रेन वर्क्स उस पे दे आर गोइंग टू यू नो गिव नॉलेज टू स्टूडेंट्स। दूसरा मार्वल्स ऑफ जम्मू यू नो रीजन दैट इज़ गोइंग टू बी डिपिक्टेड इन द एग्जीबिशन। हम छोटी छोटी चीज़ें जो अपने आसपास देखते हैं लेकिन उन पर हम साइंस पे बात नहीं करते या साइंस हमें बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो उस सब को इस क्रिएटिव तरीके से और ईजी तरीके से बच्चों के साथ सामने रखा जाएगा कि उनको लगेगा भी कि नहीं कि उनको कुछ पढ़ाया जा रहा है। शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने आज संपत्ति कर के विरोध में जानीपुर से अम्फला तक रोष रैली निकाली। इस रैली में काफी संख्या में लोग शामिल हुए जिन्होंने इस फैसले के प्रति नाराजगी व्यक्त की। शिवसेना के प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने कहा कि इस समय पहले ही जम्मू कश्मीर बेरोजगारी महंगाई से जूझ रहा है और उस पर ये एक और बोझ लोग नहीं सह सकते। उन्होंने इस फैसले को वापस लेने की मांग की। बावजूद भी सरकार जो है अपने अड़ियल रवैये से, तानाशाही रवैये से बाज नहीं आ रही, अपना संपत्ति कर को वापिस लेने की तरफ से कोई बयान नहीं दिया जा रहा। लगातार ये बयान दिए जा रहे हैं कि जनता पर बहुत कम बोझ डाला जा रहा, जबकि जनता इस समय, हकीकत ये है कि जम्मू कश्मीर की जनता इस समय दोहरी मार झेल रही है। एक तरफ केंद्र सरकार लगातार जो है महंगाई को बढ़ाता जा रहा, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर सरकार लगातार जो है करों का बोझ बढ़ाती जा रही है। आप देखिए हमारे रसोई गैस के अंदर इस्तेमाल होने वाला सिलेंडर पिछले 8 सालों में लगभग 300 गुना बढ़ चुका है, 400 रुपये से 1150 रुपये पार कर चुका है। कोई खाद्य सामग्री ऐसी नहीं है, आटा तेल किसी को भी आप खाद्य सामग्री की बात कर लो जिस पर महंगाई का हैंकर ना चलाओ, उस पर जनता को राहत देने की जगह आप लगातार करों का बोझ बढ़ाते जा रहे हो। जनता इस समय असमर्थ है अपने परिवार को। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने आज जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो पिछले 3 वर्षों से भर्ती घोटाले की जांच की मांग कर रहे हैं पर अभी तक उन्हें केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इसके लिए एक कमेटी का गठन भी किया गया था पर उसने भी कुछ नहीं किया। उन्होंने जल्द से जल्द इस मामले में जाँच करने और उनके साथ इंसाफ करने की मांग की। कर ही नहीं रही है एज पर सोर्सेज, उन पे आगे से प्रेशर आ रहा है, कोई एक्सटर्नल प्रेशर आ रहा है उन पे, जिसकी वजह से वो रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रही है। क्या क्या पॉलिटिशियन या जो ब्यूरोक्रेट्स इसमें इन्वॉल्व हुए हैं वो नहीं चाहते कि ये जो रिपोर्ट है वो पब्लिक डोमेन में है। हाँ, बट मैं ये कहना चाहता हूँ उन ब्यूरोक्रेट्स से, उन पॉलिटिशियन से, कि हमें पता है कि वो बंदे कौन है जो इसको प्रेशराइज कर रहे हैं। हम ये पब्लिक डोमेन में भी नहीं लाना चाहते हैं क्योंकि उनकी बदनामी हो जाएगी और लोगों का भरोसा यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन उड़ जाएगी। अभी आप कहना चाहता हूँ अगर इसमें 2013 में भी एक घोटाला हुआ, 2018 में दूसरा घोटाला हुआ, लेकिन 2018 में क्या किया इन्होंने, खुद एक्सेप्ट किया कि इसमें घोटाला हुआ है। 2018 में इन्होंने कुछ नाम भी सामने लाए थे अपने नोटिस में, एक तो है बिलाल अहमद शाह जो पीए टू डायरेक्टर फायर एमरजेंसी सर्विस है, दूसरा है आदिल अहमद जरगर और एक है दुष्यंत,
तो उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, बस उनका नाम नोटिस पे आया। हाँ, ये बंदे जो इन्वॉल्व है इस स्कैम में इन्वॉल्व पाए गए, इन्होंने ये पेपर लीक करवाया है, बट उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमारा मानना यही है कि जो 2018 में वो बंदे ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस द्वारा आज प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि कुछ फंड्स जारी किए गए थे जिन्हें किसी कारणवश वापस ले लिया गया, जो सही नहीं है। उन्होंने इस मामले में कार्रवाई करने और इन फंड्स को दोबारा जारी करने की मांग की। का जो पंचायतों के अकाउंट में था उसको वापस करके सेंट्रल अकाउंट में सरकार ने किया। उस फैसले के विरोध में तमाम लोग जो हैं आज इकट्ठे हुए थे। हमारी एक ही मांग है एलजी साहब से, ये पैसा फौरी तौर पे वापस किया जाए। जिन लोगों ने टेंडर वर्क के माध्यम से काम किया है, जिन लोगों ने जो है नॉन टेंडर से जो है काम किया हुआ है, और कुछ बैक टू विलेज के भी प्लानात और काम रखे गए थे, वो सारा पैसा सेंट्रल अकाउंट में डाल दिया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है गांव के लोगों की, और गांव के लोग जो हैं ये एक पॉजिटिव रोल अदा करना चाहते हैं डेवलपमेंट के लिए, लेकिन सरकार में बैठे हुए कुछ लोग जो हैं जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन में, वो नहीं चाहते कि गाँव के अंदर बेहतरी हो। वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ उलझने जो हैं वो डाली जाए गाँव की तरक्की और तमीर के लिए। तो आज जो हैं ये तमाम लोग जो हैं जहाँ पर हैं मेरे साथ, जहाँ सरपंच जो हैं किश्तवाड़ से, रामबन से, अरजोरी से, पुंछ से, जहां पे हैं, और ये तमाम लोग जो हैं एक ही आवाज। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर सरकार युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। युवाओं को सरकारी रोजगार देने के साथ साथ उन्हें उद्यमी बनाया जा रहा है। सरकार ने जन भागीदारी अभियान बैक टू विलेज और माई टाउन माई प्राइड के तहत 10 जिलों में 75,000 नए उद्यमियों को तैयार किया। वहीं 6,00,000 से अधिक युवाओं को उद्यमी बनने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता दी गई। ये बातें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पलोड़ा स्थित बीएसएफ कैंप में आयोजित युवा महोत्सव कार्यक्रम में कही। उपराज्यपाल ने कहा कि युवाओं को कल के लिए सशक्त बना रहे हैं। कौशल विकास और अपरेटिंग मेला का उद्देश्य युवाओं के लिए उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के 6 जिलों में 20 मार्च को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुकता मेले का आयोजन किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में राजमार्ग और सुरंग बनने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। अगले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान को दुगुना करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये से अधिक उपलब्ध कराए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर मेडल तालिका में पीछे रहने वाला जम्मू कश्मीर आज नई प्रतिभाओं को अवसर उपलब्ध कराने के मामले में देश में नंबर वन है, और जल्द ही मेडल तालिका में भी हमारी स्थिति बेहतर होगी, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। आज जम्मू कश्मीर का युवा सकारात्मक सोच एवं उत्साह के साथ इसलिए जीवन में आगे बढ़ रहा है क्योंकि अब उसके सामने रास्ते खुले हैं, कैरियर के तमाम विकल्प उपलब्ध हैं। लंबे समय तक यहाँ के युवाओं के लिए कैरियर का एकमात्र विकल्प महज सरकारी नौकरी थी। अनंत प्रतिभाओं से सज्जित नौजवान बच्चे बच्चियाँ बच्चियों के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं बनाया गया था। एकमात्र सरकारी नौकरी के विकल्प ने उनकी आकांक्षाओं को सीमित कर दिया था, और इसका परिणाम हुआ 1,25,000,000 से थोड़ी ज्यादा आबादी के जम्मू कश्मीर में आज लगभग 5। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, खुला बयां करता है खबर के पीछे की कहानी, तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जम्मू संभाग के डोडा जिले के खिलैनी सुरंग की पहली ट्यूब के उत्खनन का काम हो गया है। इस सुरंग के बनने से देश को कश्मीर से जोड़ने के लिए एक और वैकल्पिक सड़क मार्ग मिल जाएगा। इसके अलावा डोडा और किश्तवाड़ जिलों के बीच सड़क मार्ग की दूरी करीब 30 किलोमीटर कम होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग और ढांचागत विकास प्राधिकरण लिमिटेड सुदमहादेव, खिलैनी, गोहा, छात्रू व खन्नाबल राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना पर काम कर रही है, और 1,574 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। कंपनी के इंजीनियर ने बताया कि अगले 8 महीने में सुरंग से वाहन दौड़ेंगे। सुरंग की दूसरी ट्यूब पर भी तेज गति से कार्य चल रहा है। अप्रैल 2023 के अंत तक उत्खनन का काम पूरा होने की संभावना है।
भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पर पाक सेना द्वारा अपने गुलाम जम्मू कश्मीर के ग्रामीणों की आड़ में नए षड्यंत्र को देख सुरक्षा बढ़ा दी है। ऐसे में सभी फील्ड कमांडरों को समय अनुसार यथोचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ जगहों पर अतिरिक्त चौकियां भी बनाई जा रही हैं। अग्रिम इलाकों में बसे ग्रामीणों ने कहा कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अवांछित निर्माण देखने पर तुरंत निकटवर्ती सैन्य चौकी को सूचित करें। अलबत्ता सेना के आला अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। बीएसएफ ने भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। वही रक्षा मंत्रालय इस मामले में फिलहाल चुप है। आपको बता दें कि गत दिनों को पुंछ में एलओसी पर 33 नोट गुलाम जम्मू कश्मीर के ग्रामीणों ने पाक सेना की मदद से भारतीय सेना में सीमा में दरिया के एक हिस्से में आकर उत्खनन शुरू किया था, जिसे भारतीय सेना ने रोक दिया था। इससे पहले गुलाम जम्मू कश्मीर के ग्रामीणों ने भारतीय सेना गश्ती दल के को उकसाते हुए सामने खड़े होकर भड़काऊ नारेबाजी करते हुए उसे वहां से जाने को कहा था। जवानों पर कथित तौर पर पत्थर भी फेंके गए थे, लेकिन भारतीय जवानों ने पूरा संयम बनाए रखा। राजकीय मेडिकल कॉलेज जम्मू की इमरजेंसी के एकमात्र अल्ट्रासाउंड मशीन पर मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है। वहीं अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग ने अतिरिक्त अल्ट्रासाउंड मशीनें लगाने के लिए जीएमसी प्रशासन से जगह की मांग की थी, लेकिन अभी तक कोई स्थान उपलब्ध नहीं करवाया गया है। नतीजतन खासतौर पर दोपहर बाद पूरे अस्पताल के अल्ट्रासाउंड का लोड इमरजेंसी की एकमात्र मशीन पर आ जाता है। कई बार मरीज को अपने अल्ट्रासाउंड के लिए 2 से 3 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। इमरजेंसी में लंबे से कम 2 अल्ट्रासाउंड मशीनों की जरूरत महसूस की जा रही है। जीएमसी की इमरजेंसी अल्ट्रासाउंड पर 24 घंटे में 250 से 300 अल्ट्रासाउंड किए जा रहे हैं। दिन में रेडियोलॉजी विभाग के अलावा एचडीयू में अल्ट्रासाउंड मशीनें चलाई जा रही हैं। रेडियोलॉजी विभाग में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक 2 अल्ट्रासाउंड टेबल पर टेस्ट किए जाते हैं। उधमपुर जिले के कुदमे स्थित ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। इसका शुभारंभ फल और उद्यान विभाग के महानिदेशक एस जितेंद्र सिंह ने सरपंच कुलदीप कुमार की उपस्थिति में किया। उन्होंने बताया कि जम्मू और कश्मीर अद्वितीय सुंदरता और प्राकृतिक परिदृश्य में समृद्ध है। इसमें पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों को पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अपनी संस्कृति के साथ साथ अपनी लोक कथाओं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों का संचालन करने की सलाह दी। विभाग ने हाईलैंड पार्क कुद उधमपुर में ट्यूलिप की 5 विभिन्न किस्मों के 12,000 फूल लगाए हैं। महानिदेशक ने बताया कि इस वर्ष पहला बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू संभाग के सन्नासर जिले के रामबन में लगभग 300 वर्ग फुट के क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइव। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।